राम केदार जी, इस सड़क पे आपको जरई या धान रोपने की क्या आवश्यकता पड़ गई? दरअसल यह समस्या जो है 2 साल से है, और यहाँ पर ये रास्ता जो है पूरा देवारा क्षेत्र का ब्लॉक से जुड़ा हुआ मुख्य मार्ग, अस्पताल, थाना, सब जगह जाने के लिए पूरे देवारा क्षेत्र का मुख्य मार्ग है, और 2 वर्ष से इसी तरह गड्ढा पड़ा हुआ है और डेली 2-4 लोग गिरते हैं, एक्सीडेंट होता है, चाहे मई का महीना हो चाहे इस समय बरसात का महीना हो, हमेशा इसमें पानी भरा रहता है और काफ़ी दिक्कत जनता को हो रही, काफ़ी परेशान जनता है। और मैं यही बताना चाहूँगा आपसे कि इस ग्राम पंचायत से, इसी सेम गांव से हमारे मऊ आजमगढ़ के एमएलसी साहब भी हैं, और 20 वर्ष वो यहाँ के ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं, उन्हीं गांव पैतृक गांव है, और हम लोग बड़ा अचंभव मान रहे हैं कि इतनी बड़ी हस्तियाँ रहते हुए और आज हम लोगों को मजबूरी में देवारा विकास सेवा समिति की ओर से एक लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। तो आप क्या चाहते हैं, ये सांकेतिक धान रोपाई करके आप क्या? मैं जनप्रतिनिधियों से तो अपेक्षा करूंगा ही कि उनका दायित्व बनता है कि अपने आप को समाज सेवी, कर्मठ, ईमानदार बनाते हुए अपने आप को सिद्ध करें, और उनके गांव की बात है, पूरे क्षेत्र की जनता के से जुड़ा हुआ समस्या है, इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करें वो लोग। और मैं प्रशासन शासन से भी यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस पे कृपया ध्यान दीजिए और जितना जल्दी हो सके, ये हम लोगों का बहुत बड़ा कष्ट है, इसका निवारण करें। अब आप समझ गए होंगे कि यह विरोध प्रदर्शन सड़कों को लेकर है। उन्हीं सड़कों को लेकर जब योगी सरकार आई थी तो गड्ढा मुक्त के नारे दिया जा रहा था। लगातार सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए योगी सरकार द्वारा तरह तरह की योजनाएं किया गया। मामला जमीनी स्तर पर ज्यों का त्यों बना रहा। कुछ सड़कों में सुधार हुआ, कुछ की दशा और ही दुर्दशा में तब्दील हो गई, क्योंकि उन सड़कों का मरम्मत नहीं हो पाया। इसीलिए आजमगढ़ के महाराजगंज क्षेत्र में आज लोगों का आक्रोश धान की रोपाई तक सड़कों पर उतर आया। आप देख रहे हैं जीजीएस न्यूज 24 महाराजगंज से बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट। प्रमुख गिरा चुके हैं उन्हीं गांव पैतृक गांव है, और हम लोग बड़ा अचंभव मान रहे हैं कि इतनी बड़ी हस्तियां रहते हुए और आज हम लोगों को मजबूरी में देवारा विकास सेवा समिति की ओर से एक लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। तो आप क्या चाहते हैं, ये सांकेतिक धान रोपाई करके आप क्या? मैं जनप्रतिनिधियों से तो अपेक्षा करूंगा ही कि उनका दायित्व बनता है कि अपने आप को समाज सेवी, कर्मठ, ईमानदार बनाते हुए अपने आप को सिद्ध करें, और उनके गांव की बात है, पूरे क्षेत्र की जनता के से जुड़ा हुआ समस्या है, इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करें वो लोग। और मैं प्रशासन शासन से भी यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस पे कृपया ध्यान दीजिए और जितना जल्दी हो सके, ये हम लोगों का बहुत बड़ा कष्ट है, इसका निवारण करें।